सभी को सिखाऊंगी नींबू चीनी पानी बनाना। सो इसके लिए हम पहले लेंगे गिलास, इधर ही गिलास दो, वहाँ पे आ गए थे ना वो, पहले वहाँ पे गिलास रखा था, अब दादी के तरफ गया, दादी उनको चली गई। सो पहले आप ही गिलास लेते हैं। अब हम लोग लेंगे चम्मच, पहले सामने हम लोग पहले लेंगे लेते हैं, मेरे स्टाइल में अब तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। आज ना अगर जिसको मेरे घर में नींबू चीनी पानी पीना होता है, मेरे पास वहाँ के आता है, उसकी सीक्रेट रेसिपी है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर हम डालते हैं इसके लिए। हम गिलास और ये ले लिया हूँ, एंड अभी हम लोग जो जूसर निकालेंगे इसे दबाते नींबू को। अगर आपके पास नहीं है आप हाथ से भी दबा सकते हैं, मैं निकालती हूँ। एंड अगर आपने भी नींबू चीनी पानी बनाया है इसके अंदर आप डाल के भूल गए हो तो प्लीज़ उसको निकाल के साबुन से साफ कर लेना वैसे, क्योंकि ना उससे आपके जो जितने डिहाइड्रेटेड हाइड्रेटेड पीने के लिए हम तो ये पीते हैं नींबू चीनी पानी का, उससे दिनदरी सब डिहाइड्रेट हो जाते हैं, और उस नींबू का बिल्कुल इस्तेमाल मत करिएगा। और अब हम लेंगे अपना, और अब चलो नहीं एक सेकंड की बात नहीं है, चीनी। तो चलो अब अपना मेन आइटम देते हैं। दो मेन आइटम्स हैं, तीन मेन आइटम्स हैं जिसके बिना नींबू चीनी पानी नहीं बन सकता। पहला हमारा नींबू है, अब नींबू बनाना है, ये नींबू है क्या पे काला कपड़ा पहना है, एंड अब हम लोग यहाँ पे नींबू को ऐसे करके हम डाल देंगे। नींबू को हमें उल्टा डालना है जो कि मेरा गिर चुका है, आप सबको दिखाने के चक्कर में फिर से डाल देती हूँ। मैंने ऐसे कर लिया है, अब हम लोग चलो डालते हैं। अभी बहुत कड़ा हो गया क्योंकि हमेशा से मैंने फ्रिज में रखा इसको, हमेशा से दादी ने फ्रिज में रखा, सॉरी मम्मी ने। ज़्यादा अच्छे से निकल नहीं रहा है, ओह निकलना ज़्यादा अच्छे से, तो थोड़ा कम था सब, और कोई बात नहीं हम लोग डिवाइड किए पूरा, हम लोग पूरा इक्वल कर देंगे बूंदी से। हाँ हमारे इक्वल हो चुका है। अब हमने थोड़ा सा हमने नींबू डाल दिया, मेरा थोड़ा यहाँ पे चिपचिपा हो गया, फिर जाके दम से अभी मैंने ना ऐसे धो चुका है तो हाँ हो गया थोड़ा ऐसे। क्योंकि मैंने अब पहले कर चुका है मैंने, थोड़ा डल दिख रहा होगा शायद फेस मेरा, अगर डल दिख रहा है तो कमेंट करना क्योंकि मैंने कर लिया है यहाँ पे। अब हम लोग फर्स्ट हमेशा गर्मी में हमें आम का ही पानी बनना चाहिए, नॉर्मल पानी, क्योंकि जब हम लोग चीनी डालते हैं उसमें तो टेस्ट नहीं आता चीनी का, ठंडा पानी डालेंगे तभी नहीं होगा। इट्स योर माइंड, अगर आपको ये करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको ठंडे पानी में टेस्ट पता है आता है, पता नहीं कहाँ से आता है, पता नहीं आप कैसे नींबू चीनी पानी बनाते हो अपने घर में, तो आप इसमें ट्राई करो। अभी तो मैंने आलू का पानी भर दिया है, अब मैं बनाऊंगी इसमें मैं चीनी लेती हूँ, चीनी बहुत कम है इसलिए मैं पूरी डाल देती हूँ।
अगर आपके पास ज़्यादा चीनी तो आपको डाल लें फाइव स्पून्स ऑफ शुगर। इससे तो मिठास आती है, अगर उससे भी ना हो तो छः डाल दो। अभी जो हमने चम्मच लिया था उससे चलाते हैं, दादी देख रही है सबसे अच्छा बनाते हैं, ऐसे दादी भी सीख रही है। बस दादी भी मैं बस खाली एक ही अच्छा बनाती हूँ जो नींबू चीनी पानी है। दादी बहुत अच्छा बनाती है, बिच्चू किचन उनका नाम, उनके चैनल का नाम है, उनका भी चैनल है। हाँ बहुत प्राउड हूँ कि जब मैंने पहले शुरू की तो मेरी दादी बना रही है ना दादी। हाँ कर रही है। सो दादी ने अभी आप जाइए फॉलो करिए, आज दादी आप बना दीजिएगा ब्लॉग दो या हमने खाली शॉर्ट्स डाल रखे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। सो दादी का जो फर्स्ट हमारा हमने जो वीडियो डाली वो है आम का अचार एंड सेकेंड चूड़ा क्या? अब नहीं अभी नहीं बताती। आप क्या ब्लॉग शूट करेंगे यहाँ पे? खाना बनाना है दादी को, भी खाना बनाना है, पर दादी जानती है ना अभी चैनल है, क्या कह सकते हो कि अभी चैनल आपको ग्रो करना, तो उसको कुछ नहीं कहती दादी। जब मैं ऐसे बनाती तो मैं कुछ कहती हूँ, छोड़ देता हूँ बातों को, दादी कहती रहेंगे। अब चलो अभी हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है, अगर थोड़ी सी भी चीनी दिखी ना तो मिक्स कर रहा हूँ। और अभी हे भगवान जी प्लीज़ मीठा हो, बहुत कम चीनी डाली है मैंने। तो अभी अपने चम्मच से टेस्ट करेंगे, और अगर अभी अगर आप ये दूसरे के लिए बना रहे हैं तो वो लगा कर टेस्ट करेगा, क्या पता कि वो छोटा पीता है नहीं पीता, ये पूछने में अच्छा नहीं लगता कि आप छोटा पीते हैं कि नहीं पीते हैं। तो आप चम्मच से टेस्ट कर लिया करें, मैं अपने लिए बनाया तब भी मैं चम्मच से टेस्ट ही करूँगी, दूसरी आ जाता है। मीठा भी बहुत स्वीट बन चुका है बेकिंग में। थोड़ी चीनी की कमी है दादी, ये ना ऐसे बहुत कम चीनी, थोड़ी चीनी दे दो। सो एक सेकेंड अभी दादी चीनी भर रही है, एक सेकेंड मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ। तो गाइस हमारा नींबू चीनी पानी बन चुका है, इट इज़ रेडी। जब मैं मिक्स कर रही थी तब दादी भी दिया था, वो आप देखिए क्या ही करते हैं, हमने पहले ही मिक्स कर दिया था। अगर आपका कम होगा तो और आप मिक्स कर सकते हैं। बाबू हट जाओ, इट इज़ सो यम्मी। अभी ट्राई करना, अगर आपको आयल जानना तो आप वो भी डाल सकते हो। ओके बाय बाय। See you later.